अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ई रिक्शा रिपेयरिंग का हर तरह का डायग्राम मैं एक एक करके अपने चैनल में दे चुका हूं। तो कुछ भाई ने कमेंट किया था कुछ दिन से कि भाई ई रिक्शा का फुल वायरिंग का डायग्राम बना के दीजिए, तो उन सब भाई के लिए मैं ये डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में आप लोगों को पूरा वायरिंग का जितना भी ई रिक्शा में सामान है, जो जो काम का है, कहाँ से वायर कहाँ जाता है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, ये जो चारों है वो बैटरी है और ये है मोटर, मैं पहले दिखा देता हूँ, और ये है कंट्रोलर, ठीक है, और ये है जो येलो बॉक्स है हमारा, ये है कन्वर्टर, ठीक है, और ये है एक्सीलेटर जिसको पिकअप भी बोलते हैं, ये है मीटर जो डिजिटल मीटर होता है, ये है चाबी की लॉक जिसको बोलते हैं, और ये दोनों लेफ्ट राइट इंडिकेटर हैं, और ये दोनों हॉर्न है, ये दोनों हॉर्न है, और ये बीच वाला जो है ये हमारा हेडलाइट है। तो इसका कनेक्शन भी दिखा देता हूँ, देखिए ये है फ्लशर, ये बाकी जो चारों है ये स्विच है, और ये है हमारा ब्रेक पेडल, ये है ब्रेक पेडल जो दबाते ही इस स्विच में कनेक्शन को डायरेक्ट करके जो हमारा पीछे लाइट लगा हुआ रहता है ब्रेक लाइट, उसमें चला जाता है इसका करंट। तो चलिए अब मैं इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। इसका कनेक्शन जो है वो सिंपल कनेक्शन है। आप इस डायग्राम को अगर दिमाग में डाल लोगे तो आपको ई रिक्शा का वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, इस साइड जो है ये प्लस पॉइंट है और इस साइड भी है माइनस पॉइंट, चारों बैटरी का सीरीज करके ये माइनस पॉइंट निकला और यहाँ से प्लस पॉइंट निकला इस साइड से, ठीक है। तो ये जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये चला गया हमारा कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर से मोटा वाला पांच वायर निकाल के आता है। देखिए, ये जो ब्लैक वाला है, रेड वाला है, और ये येलो, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों जाके सीधा चला जाता है हमारा जो मोटर में तीन वायर लगा हुआ रहता है मोटा वाला, उसमें येलो, ब्लू एंड ग्रीन में। तो इसका वायरिंग तो सिंपल है, बाकी एक वायर चला जाता है हमारा इग्निशन स्विच में जो चाबी है उसमें, और वो वापस आके चला आता है कंट्रोलर में, ठीक है। ये कंट्रोलर में जा रहा है और एक बाकी देखिए यहाँ से ही निकाल के ये चला जा रहा है हमारा मीटर में, जो डिजिटल मीटर है वहाँ पे एक चला गया और एक चला गया हमारा कन्वर्टर में, यहाँ पे 48 वोल्ट रहता है, इस वायर में 48 वोल्ट रहता है, ठीक है। ये चला गया एक कंट्रोलर में, एक कन्वर्टर में, एक मीटर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक 5 पिन का जो 6 पिन का प्लग रहेगा, लेकिन उसमें 5 वायर रहेगा, 5 वायर रहेगा जो हमारा सीधा जाके मोटर सेंसर में लगेगा, कंट्रोलर से जाके सेंसर में लगेगा डायरेक्ट सीधा, वो कहीं पे भी और जगह जॉइंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोलर से मोटर में चला जाएगा। तो देखिए वायरिंग का जहाँ भी माइनस पॉइंट है वो डायरेक्ट रहेगा। एक चला गया देखिए पीला बॉक्स से कन्वर्टर में चला गया, और ये जो 48 वोल्ट है यहाँ से देखिए ये लिख दे रहा हूँ मैं 48 वोल्ट, तो ये पीला जो 48 वोल्ट और माइनस मिल के वो 12 वोल्ट पैदा कर रहा है कन्वर्टर, और देखिए ये वायर जहाँ भी गया होगा पूरा सब जगह 12 वोल्ट गया है, ठीक है, जहाँ जहाँ गया है पूरा सब जगह समझ लीजिए कि 12 वोल्ट है वहाँ पे, जैसे कि वायरिंग में भी रहता है सेम टू सेम। देखिए ये चला गया आप जो कन्वर्टर से 12 वोल्ट है वो चला गया हमारा फ्लशर में। अब लेफ्ट राइट इंडिकेटर का कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर में पहले फ्लशर में लाइन जाता है, उसके बाद जाता है हमारा स्विच में। देखिए कन्वर्टर से जो लाइन आया वो फ्लशर में गया, उसके बाद स्विच के बीच में गया, और दोनों तरफ जब भी स्विच दबाते हैं, देखिए ये वाला जब भी स्विच को दबाते हैं तो एक साइड में जाता है, और जब दूसरे साइड में दबाता है तो दूसरे साइड में लाइन जाता है। देखिए ये वाला एक साइड है, तो यहाँ से एक चला गया हमारा मीटर में, स्विच को उस साइड पे दबाते ही एक चला जा रहा है हमारा मीटर में, और दूसरा जो वायर है वही वायर का जो जॉइंट है वो चला जाता है लाइट में, ठीक है। और जब स्विच को इस तरफ दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी एक चला जा रहा है इस लाइट पे, और एक नीचे की तरफ लाइट में चला जाता है, और एक वायर चला जाता है हमारा जो मीटर है वहाँ पर, क्योंकि मीटर पर भी जो लोगो शो करता है लेफ्ट राइट का, तो उसमें चला जाता है एक। जब भी आप स्विच को इस तरफ दबाओगे तो देखिए एक पीछे चला जाता है और एक चला जाता है ऊपर में, और एक यही से जॉइंट होकर चला जाता है मीटर में, क्योंकि जब भी आप स्विच को दबाते हो तो मीटर में भी शो करता है कि गाड़ी किस तरफ चल रहा है, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा लेफ्ट राइट इंडिकेटर का कनेक्शन।
अगर आपको और भी डिटेल में जानना हो तो मेरे चैनल में इसके लिए वीडियो दिया हुआ है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर कनेक्शन का डायग्राम, तो आप जाके उसको देख सकते हो और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये स्विच दोनों तरफ दबाने से दोनों तरफ लाइन चला जाता है और दोनों का कनेक्शन मीटर से भी रहता है क्योंकि मीटर में लोगो शो करता है, ठीक है। और लेफ्ट राइट इंडिकेटर का कनेक्शन ऊपर और नीचे दोनों में ही रहता है, दोनों लाइट में। और देखिए इसका माइनस जो है वो डायरेक्ट रहेगा, पीछे भी माइनस डायरेक्ट रहेगा और सामने भी जो है वो माइनस डायरेक्ट रहेगा। तो जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर का कनेक्शन था वो हो गया। अगर और डिटेल में जानना हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, अलग से डायग्राम दिया हुआ है तो उसको देख के आप आराम से समझ सकते हो। तो मोटर और जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर का कनेक्शन का हो गया। अब चलिए अब एक्सेलेटर का कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला हमारा एक्सेलेटर है। तो एक्सेलेटर का कनेक्शन सिंपल है, कंट्रोलर से तीन वायर निकाल के आता है और वो वायर प्लग के जरिए डायरेक्ट चला जाता है हमारे एक्सेलेटर में, और दूसरा कहीं पे भी नहीं जाता है, ये सिर्फ एक्सेलेटर में चला जाता है। तीनों वायर, दो वायर इनपुट रहता है और एक वायर आउटपुट रहता है इसमें से, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारे एक्सेलेटर का कनेक्शन। और ये जो दो वायर दिख रहा है आपको, दो वायर ये हमारा रिवर्स का है, ज़्यादातर कंट्रोलर में ब्लैक एंड येलो में रहता है, तो दोनों तरह का कंट्रोलर रहता है, इसलिए मैं इसको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसका जो माइनस पॉइंट है वो ब्लैक में से आके इस वायर में दूसरा कलर का वायर दिया हुआ है, उसके जरिए कंट्रोलर में चला जाता है माइनस पॉइंट, और हमारा कंट्रोलर को रिवर्स कर देता है फिर। और एक वायर वहाँ से जॉइंट होकर चला जाता है, ये देखिए पीला वाला जो आपका लाइट दिख रहा है वहाँ पे चला जाता है। जब भी हम रिवर्स का स्विच दबाते हैं तो ये दो लाइट चालू हो जाता है फिर। और इस पोजीशन में इसका जो प्लस पॉइंट है वो डायरेक्ट कन्वर्टर से रहेगा, जो 12 वोल्ट वो कन्वर्टर से डायरेक्ट मिलेगा, और जो माइनस पॉइंट है वो हमको मिलेगा कंट्रोलर का जो माइनस पॉइंट स्विच में आ रहा है उसमें से, ठीक है। ब्लैक कलर में से माइनस पॉइंट आके जो हमारा पीला वाला वायर रहता है उसको भी माइनस कर देता है, फिर हमारा गाड़ी जो है वो रिवर्स में चलने लगता है, और उसी में से एक वायर निकाल के जाता है लाइट में, और जो प्लस वाला पॉइंट है वो मिल जाता है हमको कन्वर्टर से। और दूसरा एक कंट्रोलर है उस पर कैसा कनेक्शन है वो भी दिखा देता हूँ। उसका जो 12 वोल्ट है वो देखिए यहाँ से मिलेगा कन्वर्टर से, 12 वोल्ट मिलेगा स्विच में, जो रिवर्स का स्विच है उसमें 12 वोल्ट मिलेगा कन्वर्टर से, और वही 12 वोल्ट स्विच के जरिए चला जाएगा कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में जाके हमारा जो कंट्रोलर है वो मोटर को रिवर्स में चालू करेगा। इसका भी डायग्राम मैं बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल में हर तरह का डायग्राम दिया हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हो। तो देखिए कन्वर्टर से मिल रहा है हमको 12 वोल्ट, वो जाके सीधा स्विच में जा रहा है, और स्विच में से एक वायर जाता है हमारा कंट्रोलर में जो ज़्यादातर मट्टी कलर का रहता है, उसमें 12 वोल्ट कंट्रोलर में जाता है और हमारा जो मोटर है उसको रिवर्स में चालू कर देता है, और जो मिट्टी कलर का वायर है उसमें से एक वायर चला जाता है हमारा लाइट में, जो 12 वोल्ट है वो चला जाता है हमारा लाइट में, ये दूसरा कंट्रोलर का बात कर रहा हूँ मैं। और इस कंट्रोलर में जो माइनस है वो डायरेक्ट मिलता है, जो रिवर्स लाइट है उसमें माइनस पॉइंट डायरेक्ट येलो बॉक्स से जो माइनस पॉइंट निकल कर आता है उसमें से ही मिल जाता है। तो चलिए रिवर्स का कनेक्शन भी हो गया, आप देखिए ये भी हो गया, आप देखिए ये जो हॉर्न है इसका कनेक्शन किस तरह से होता है देख लीजिए। इसके लिए भी एक डायग्राम अलग से है, आप जाके देख सकते हो। जो ई रिक्शा का हॉर्न है उसका स्विच माइनस पॉइंट में रहता है, जो येलो बॉक्स से माइनस पॉइंट निकाल कर आता है वो सीधा जाता है एक स्विच में, हॉर्न का जो स्विच है उसमें। और जब भी स्विच को हम दबाते हैं तो जो दूसरा वायर रहता है उसके जरिए चला जाता है सीधा हॉर्न में, जो माइनस पॉइंट है वो स्विच के जरिए जाता है हॉर्न में, और इसका जो प्लस पॉइंट है 12 वोल्ट वो रहता है डायरेक्ट कन्वर्टर से। देखिए ये वाला जो प्लस पॉइंट है वो डायरेक्ट कन्वर्टर से है। इसका भी अलग से डायग्राम है, आप जाके देख सकते हो। माइनस पॉइंट जो है ई रिक्शा में हर जगह डायरेक्ट रहेगा, सिर्फ जो हॉर्न है उसमें स्विच पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो रह गया है वो है हेडलाइट। तो हेडलाइट का कनेक्शन जो है वो सिंपल है,
कन्वर्टर से एक वायर निकाल के जो जाता है वो वायर सीधा जाता है हमारा हेडलाइट का जो स्विच है उसमें जाता है। फिर वहाँ से एक वायर निकाल के जाता है जो अपर डिपर का स्विच है उसके बीच में, ठीक है, देखिए ये वाला स्विच के बीच में चला गया और इसमें से दोनों तरफ इसका जो स्विच का दोनों तरफ वायर है ये जाता है हमारा एक अपर में एक डिपर में। तो इसी तरह से होता है हमारा हेडलाइट का कनेक्शन। और यहाँ से ही एक वायर निकाल के जाता है हमारा मीटर में। जब भी हम हेडलाइट का स्विच दबाते हैं तो मीटर में भी शो करता है कि हेडलाइट चालू है, तो इसलिए यहाँ से भी एक वायर निकाल के जाता है। मीटर में जो टोटल 6 वायर रहता है उसमें से एक वायर हेडलाइट का भी रहता है और जो माइनस है वो डायरेक्ट रहता है हेडलाइट का, ठीक है। तो इसी तरह से होता है हमारा कनेक्शन। और देखिए मीटर का जो माइनस पॉइंट है, मीटर को चालू करने के लिए एक माइनस पॉइंट चाहिए, वो भी डायरेक्ट रहता है। जो यहाँ से पीला बॉक्स से जो माइनस पॉइंट है वो डायरेक्ट चला जाता है हमारा मीटर में वायरिंग के जरिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारा पूरा वायरिंग का कनेक्शन। आप देखिए यहाँ पे एक वायर रह गया है, ठीक है, जो हमारा स्पीडोमीटर का वायर है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं जो ब्रेक पेडल है उसका कनेक्शन भी एक बार दिखा देता हूँ। जब भी हम ब्रेक को दबाते हैं तब जब पीछे लाइट जलता है तो वो कनेक्शन, तो उसके लिए भी हमको जो वोल्टेज चाहिए वो डायरेक्ट कन्वर्टर से मिल जाता है। जो 12 वोल्ट है वो कन्वर्टर से मिलके देखिए इस स्विच पे जाता है, और जब भी हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो इस स्विच के जरिए ये चला जाता है सीधा लाइट पे। जो 12 वोल्ट है वो सीधा लाइट में चला जाता है, ठीक है, इस स्विच के जरिए। देखिए ऐसे डायरेक्ट दोनों लाइट में चला जा रहा है। तो इसी तरह से होता है हमारा जो ब्रेक लाइट का कनेक्शन। इसके लिए भी डायग्राम दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और इसका भी माइनस पॉइंट जो है वो डायरेक्ट वेलो बॉक्स से जो वायरिंग है उसमें से मिल जाता है, ठीक है। आप देखिए इसमें से रह गया एक स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर का वायर सिंपल है, जब भी हम जो एक्सेलेटर को दबाते हैं तब मीटर में स्पीड शो करता है, वही वायर है वो। तो वो सीधा हमारा कंट्रोलर से आके डायरेक्ट मीटर में चला जाता है, कंट्रोलर से डायरेक्ट मीटर में जाता है। वो एक ही वायर रहेगा और वो डायरेक्ट चला जाएगा मीटर में। तो इसी तरह से होता है हमारा जो ई रिक्शा का वायरिंग। अगर आप इस डायग्राम को समझ लोगे तो आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन इस डायग्राम में बहुत वायर एक साथ में दिखाया गया है, इसके लिए हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो अलग अलग करके भी मैं डायग्राम बनाया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। हर तरह का डायग्राम दिया हुआ है मेरे चैनल में, तो आप जाके वो सब आराम से देख सकते हो। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के और नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, तो आप लोगों के भी चाहिए कि मेरा हेल्प कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।